नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग दो का छठा पाठ, जिसका शीर्षक है सदाचार। सत प्लस आचार। सत मीन्स अच्छा, आचार मीन्स आचरण, अच्छा व्यवहार। श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। पहले श्लोक में आलस्य त्यागने की शिक्षा दी गई है। आलस्यम ही मनुष्याणाम, ही मीन्स वास्तव में, आलस्यम आलस, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थ शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। न अस्ति उद्यम सम, संधि विच्छेद, न अस्ति नहीं है, उद्यम सम उद्यम के समान, बंधु रिश्तेदार, भाई सगा या मित्र, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, यम कृत्वा जिसको करके, न अवसीदति इंसान दुखी नहीं होता है। अर्थात इस श्लोक में आलस त्यागने और परिश्रम करने का महत्व बताया गया है कि परिश्रम उस बंधु के समान है जिसको बनाकर हम कभी दुखी नहीं होते हैं, और आलस को शत्रु माना है। कौन सा शत्रु? जो मनुष्यों के शरीर में रहता है। दूसरा है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च प्राणिकम, नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। इसमें ये वही बताया है कि काम को कभी भी पेंडिंग ना छोड़िए। श्वः मीन्स कल, कौन सा कल? आने वाला कल। श्वः कार्यम, कल का काम अद्य कुर्वीत, आज कर लेना चाहिए। यदि हमें लगता है कि कल करेंगे ये काम, अभी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, कल का काम आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्न च अपराह्निकम, पूर्वाह्न में, अन्य यानी दोपहर, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कौन सा? अपराह्निकम, दोपहर बाद का काम। अगर आपको लगता है इस कार्य की जरूरत दोपहर बाद है तभी करेंगे, ऐसा नहीं है, दोपहर बाद के कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कल के काम को आज करें और दोपहर बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु मौत प्रतीक्षा नहीं करेगी, इंतजार नहीं करती है कि कृतमस्य नवा कृतम, इसने काम कर लिया है या नहीं कर लिया। मृत्यु इंतजार नहीं करेगी कि इसको थोड़ा और समय दे दो, अब इसका काम पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। जब मृत्यु आएगी तो एक झटके में ले जाएगी आपका काम, चाहे कितना भी अधूरा पड़ा हो, पेंडिंग पड़ा हो। इसलिए अपने कार्यों को यथा समय और समय से भी पहले पूर्ण कर लेना चाहिए। तीसरा, हमें सत्य बोलने की शिक्षा दी जा रही है यहाँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात बोलना चाहिए, विधि लिंग लकार है ये। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम, संधि विच्छेद करिए वहाँ, सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य जो अप्रिय लगे, कड़वा लगे, ऐसा हमें सत्य नहीं बोलना है कि दूसरों को वो बुरा लगे। अंधे को हे अंधे इधर आ, ऐसा नहीं कहना है, भले ही वो सत्य है, कटु सत्य नहीं बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सुनने वाले को अच्छा भी लगे वो, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। इसी तरह से प्रियम च नानृतम ब्रूयात, कि प्रिय है मगर न प्लस अनृतम, अनृतम मीन्स असत्य, झूठ, प्यारा है मगर वो झूठ है, कि अच्छा तो लग रहा है, ऐसा असत्य भी नहीं बोलना कि सिर्फ प्यारा प्यारा लगे। बोलना क्या है? सत्य भी और प्रिय भी। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि सनातन क्या चीज है। सनातन मीन्स सदियों से चला आ रहा, निरंतर चला आ रहा जो हमारा धर्म है उसको कहते हैं सनातन धर्म, यही हमारा सनातन धर्म है। तो प्रश्न बनता है, हमें कैसा बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम च। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात।
चौथा श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् मीन्स होनी चाहिए, अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, स्यात् मीन्स होनी चाहिए, व्यवहार में हमेशा होनी चाहिए, क्या क्या चीज होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता ऋजुता, ऋजुता मीन्स सरलता सीधापन, मृदुता कोमलता, चपी और भी, चार चीजें बताई हैं कि हमारे व्यवहार में उदारता सत्यता सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम मीन्स कुटिलता कनिंगनेस, न नहीं कदाचन कभी भी, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता टेढ़ापन अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता च, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पित्रम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें अपने से बड़ों का आदर करने की, सेवा करने की शिक्षा दी है। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ जन को, श्रेष्ठ किस दृष्टि से हो सकता है, हमसे उम्र में श्रेष्ठ हो सकता है, ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकता है, तो अपने से श्रेष्ठ जन को, गुरुम चापि और गुरु को भी, मातरम पितरम तथा माता और पिता को, किस किस को, श्रेष्ठ जन को, गुरु को और माता पिता को, मनसा कर्मणा वाचा, मन से कर्म से और वाणी से, तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, मन से कर्म से और वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, यहाँ भी विधि लिंग लकार का प्रयोग है। सततम मीन्स निरंतर हमेशा, सदा मीन्स हमेशा, निरंतर और हमेशा, ऐसा नहीं है कभी सेवा कर दी कभी दुत्कार दिया, ऐसा नहीं, निरंतर हमेशा श्रेष्ठ जन की, गुरु की, माता पिता की, मन कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसमें बताया है कि अपने मित्रों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र मिलना बहुत दुर्लभ होता है। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, कलह झगड़ा लड़ाई, कृत्वा मीन्स करके, न नहीं कदापि कभी भी जनः सुखी, मनुष्य सुखी रह सकता है, मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मीन्स जानकर, ज्ञा धातु से क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, ऐसा जानकर, ये बात जान लेने के बाद, प्रयासेन कोशिश करें, तदेव परिवर्जित, उसको ही छोड़ देना चाहिए, किसको छोड़ दें, उस कलह को, झगड़े को, झगड़े को बढ़ाएं ना, यदि किसी बात पर तकरार हो भी जाती है तो उस बात को वहीं पर परिवर्जित छोड़ देना चाहिए, उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए, दोस्त के साथ झगड़ा करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। अभ्यास कार्य, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए, जो हम बीच बीच में गा चुके हैं। दूसरा है, जो वाक्य सही है उसके आगे हमें आम लिखना है, आम यानी हाँ, और गलत वाक्य के सामने न लिखना है, नहीं। पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय ईश्वर को याद करना चाहिए, आंसर है आम, हाँ। अनृतम ब्रियात, अनृत मीन्स असत्यम, झूठ बोलना चाहिए, न। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, आम, हाँ करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, गलत है, न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए, हाँ आम। एक पदेनोत्तर, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, आंसर है मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, सर्वदा हमेशा होनी चाहिए, उत्तर है सर्वदा। तीसरा है, किम ब्रियात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम च, सत्यम प्रियम च। नेक्स्ट है,
केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता। उत्तर है मित्रेण, केन मित्रेण। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, पहला श्लोक, कौन सा ऐसा महारिपु है जो हमारे शरीर में रहता है। उत्तर है आलस्यम। प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। मृत्यु, इसका प्रश्न बनेगा कह, प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, कह न प्रतीक्षते। दूसरा है कलहम कृत्वा, नपुंसक लिंग, किम कृत्वा, कलहम कृत्वा किम कृत्वा। पितरम, पिता का द्वितीय विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग का, तो बनेगा प्रश्न कम, कम कर्मणा सेवेत। तीसरा है व्यवहारे, चौथा व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रश्न बनता है का, व्यवहार में क्या श्रेयसी है, कौन श्रेयसी है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा, तो प्रश्न बनेगा कदा। पहला बना कह, दूसरा किम, तीसरा कम, चौथा का और अंतिम कदा। अगला प्रश्न है इस सर्कल में बीच में तीन क्रिया दी हैं, ब्रूयात, सेवेत और स्यात। ब्रूयात मीन्स बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और स्यात मीन्स होना चाहिए। ये जो वाक्य लिखे हैं ये वाक्य पढ़ना है और इसके अंत में कौन सी इनमें से क्रिया आएगी वो लगानी है। नेक्स्ट है मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान में भरने हैं, तथा न, कदाचन, सदा, च, अपि। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, क्या भरा हमने, सदा। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहला सदा, दूसरा न। प्रियम तथा सत्यम वदेत, तीसरे में तथा। चौथा है लता मेधा च, लता और मेधा च। नेक्स्ट है कुशली भवान, अपि कुशली भवान। आपको लगता होगा कि अपि शब्द का अर्थ भी है तो यहाँ कैसे भर सकते हैं, लेकिन पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि हम प्रश्न के शुरू में, वाक्य के शुरू में अपि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस अपि का अर्थ बन जाता है क्या, क्या आप कुशल हैं, अपि कुशली भवान। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्याजत, कदाचन कभी भी, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, हमें वाक्य बनाने हैं। लिखति कक्षायाम, श्याम पट्टे लिखन्ति, सह पुस्तिकायाम, शिक्षकः छात्रः, उत्तराणि प्रश्नम ते। आप कुछ भी पांच वाक्य आते हैं आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए, सबसे पहले वाक्य बना सकते हो इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, अस्मिन् चित्रे एकः शिक्षकः अस्ति, सः श्यामपट्टे लिखति, छात्रः उत्तरपुस्तिकायाम् उत्तराणि लिखन्ति। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। थैंक यू।